किशोर कुमार जी की पहली मूवी 1946 में आई थी शिकारी। इसमें अशोक कुमार, किशोर कुमार, बीरा पारो और लीला मिश्रा ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1947 में आई थी सहनाई। इसमें किशोर कुमार, रैना, इंदुमती और नासिर खान ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1948 में आई थी सती विजय। इसमें रत्नमाला, किशोर कुमार, कांता कुमारी और सूर्यकांत ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1950 में आई थी मुकद्दर। इसमें इफ्तिखार, नलिनी जसवंत, किशोर कुमार और सज्जन ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1951 में आई थी आंदोलन। इसमें किशोर कुमार, शिवराज और कृष्णकांत ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1952 में आई थी छम छमा छम। इसमें किशोर कुमार, राधा कृष्ण और रहना और प्राण ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1952 में आई थी तमाशा। इसमें मीना कुमारी, देव आनंद, अशोक कुमार और किशोर कुमार ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म 1953 में आई थी फरेब। इसमें किशोर कुमार, जोहरा सहगल, शकुंतला और ललिता पवार ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म 1953 में आई थी लड़की। इसमें भारत भूषण, किशोर कुमार, विजयंती माला और अंजनी देवी ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म 1953 में आई थी लहरें। इसमें किशोर कुमार, श्यामा, ओम प्रकाश और शकुंतला ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म 1954 में आई थी अधिकार। इसमें किशोर कुमार, उषा किरण और राधा कृष्ण ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1954 में आई थी धोबी डॉक्टर। इसमें किशोर कुमार, उषा किरण, जगदीप और महमूद ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म 1954 में आई थी इल्जाम। इसमें मीना कुमारी, किशोर कुमार, रणधीर और ओम प्रकाश ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1954 में आई थी नौकरी। इसमें किशोर कुमार, शीला रामानी, महमूद, कन्हैयालाल और जगदीप ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म 1954 में आई थी पहली झलक। इसमें किशोर कुमार, विजयंती माला और दारा सिंह ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म 1954 में आई थी मिस माला। इसमें किशोर कुमार, विजयंती माला और जीवन ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1955 में आई थी बाप रे बाप। इसमें किशोर कुमार, चांद उस्मानी, उल्लास और लीला मिश्रा ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1955 में आई थी चार पैसे। इसमें किशोर कुमार, श्यामा, जॉनी वॉकर और आगा ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1955 में आई थी मद भरे नैन। इसमें किशोर कुमार, अशोधरा और बीना राय ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1955 में आई थी रुखसाना। इसमें मीना कुमारी, किशोर कुमार और कुमकुम ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1956 में आई थी आबरू। इसमें किशोर कुमार, कामिनी कौशल, स्मृति विश्वास और मदन पुरी ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1956 में आई थी भागम भाग। इसमें किशोर कुमार, शशिकला, स्मृति विश्वास ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1956 में आई थी भाई भाई। इसमें अशोक कुमार, किशोर कुमार, निम्मी, निरूपा राय और ओम प्रकाश ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1956 में आई थी ढाके की मलमल। इसमें मधुबाला, किशोर कुमार और ओम प्रकाश ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1956 में आई थी मेम साहब। इसमें मीना कुमारी, किशोर कुमार और शम्मी कपूर ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म 1956 में आई थी नया अंदाज। इसमें किशोर कुमार, मीना कुमारी, जॉनी वॉकर, कुमकुम और प्राण ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1956 में आई थी नई दिल्ली। इसमें वैजयंती माला, किशोर कुमार और जबीन जलील ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1956 में आई थी पैसा ही पैसा। इसमें किशोर कुमार, माला सिन्हा, अय्यर जौहर, लीला मिश्रा और शकीला ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1956 में आई थी परिवार। इसमें किशोर कुमार जी ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म 1957 में आई थी आशा। इसमें किशोर कुमार, विजयंती माला, प्राण और ओम प्रकाश ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1957 में आई थी बंदी। इसमें अशोक कुमार, श्यामा, नंदा, किशोर कुमार और बीना राय ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1957 में आई थी बेगुनाह। इसमें किशोर कुमार, शकीला और हेलन ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1957 में आई थी मिस मेरी। इसमें मीना कुमारी, किशोर कुमार, जमुना और ओम प्रकाश ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1957 में आई थी मुसाफिर। इसमें दिलीप कुमार, किशोर कुमार, सुचित्रा सेन और निरूपा राय ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1958 में आई थी चंदन। इसमें किशोर कुमार, नूतन और माला सिन्हा ने अभिनय किया था।
यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1958 में आई थी चलती का नाम गाड़ी, इसमें अशोक कुमार, मधुबाला, अनूप कुमार और किशोर कुमार ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। अगली फिल्म 1958 में आई थी दिल्ली का ठग, इसमें किशोर कुमार, नूतन और मदन पुरी ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1958 में आई थी कभी अंधेरा कभी उजाला, इसमें किशोर कुमार, नूतन और कुमकुम ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1958 में आई थी रागनी, इसमें अशोक कुमार, किशोर कुमार, पद्मिनी और जमीन जलील ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1959 में आई थी चाचा जिंदाबाद, इसमें किशोर कुमार, अनिता गुहा, ओम प्रकाश और अनूप कुमार ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1959 में आई थी जालसाज, इसमें किशोर कुमार, माला सिन्हा और हेलन ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1959 में आई थी शरारत, इसमें राजकुमार, किशोर कुमार, मीना कुमारी और कुमकुम ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1960 में आई थी अपना हाथ जगन्नाथ, इसमें किशोर कुमार, शहदा खान, नजीर हुसैन और लीला चिटनिस ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म 1960 में आई थी बेवकूफ, इसमें किशोर कुमार, माला सिन्हा, अय्यर जौहर और प्राण ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1960 में आई थी गर्लफ्रेंड, इसमें किशोर कुमार, बहिदा रमन और नासिर हुसैन ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1960 में आई थी महलों का ख्वाब, इसमें मधुबाला, किशोर कुमार और प्रदीप कुमार ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म 1961 में आई थी झुमरू, इसमें मधुबाला और किशोर कुमार ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1961 में आई थी करोड़पति, इसमें किशोर कुमार, शशिकला और कुमकुम ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1962 में आई थी बॉम्बे का चोर, इसमें किशोर कुमार, माला सिन्हा, हनी ईरानी और उमा दत्त ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1962 में आई थी हाफ टिकट, इसमें मधुबाला, किशोर कुमार और प्राण ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1962 में आई थी मनमौजी, इसमें किशोर कुमार, साधना, प्राण और ओम प्रकाश ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म 1962 में आई थी नॉटी बॉय, इसमें किशोर कुमार, कल्पना मोहन, ओम प्रकाश और लक्ष्मी छाया ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1962 में आई थी रंगोली, इसमें किशोर कुमार, वैजयंती माला और दुर्गा खोटे ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1963 में आई थी एक राज, इसमें किशोर कुमार, जमुना, प्राण और ललिता पवार ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1967 में आई थी बागी शहजादा, इसमें किशोर कुमार, कुमकुम, अनवर हुसैन और इंदिरा ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1967 में आई थी दाल में काला, इसमें किशोर कुमार, निम्मी, आगा और ओम प्रकाश ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1967 में आई थी दूर गगन की छांव में, इसमें किशोर कुमार, सुप्रिया देवी और अमित कुमार ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म 1967 में आई थी गंगा की लहरें, इसमें किशोर कुमार, अरुण नारायण, धर्मेंद्र, सावित्री और कुमकुम ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1967 में आई थी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, इसमें किशोर कुमार, कुमकुम और मदन पुरी ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1965 में आई थी हम सब उस्ताद हैं, इसमें किशोर कुमार, दारा सिंह, अमिता और शेख मुख्तार ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म 1965 में आई थी श्रीमान फंटूस, इसमें किशोर कुमार, कुमकुम और अनूप कुमार ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1966 में आई थी अकलमंद, इसमें किशोर कुमार, सोनिया सहनी और आई एस जौहर ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म 1966 में आई थी प्यार किए जा, इसमें किशोर कुमार, शशि कपूर, महमूद, कल्पना, राजश्री, मुमताज और ओम प्रकाश ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1966 में आई थी लड़का लड़की, इसमें किशोर कुमार, मुमताज, लक्ष्मी छाया और आई एस जौहर ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1967 में आई थी अलवेला मस्ताना, इसमें किशोर कुमार, आशा नाडकर्णी और मास्टर भगवान ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1967 में आई थी दुनिया नाचेगी, इसमें किशोर कुमार, कुमकुम और मास्टर भगवान ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1967 में आई थी हम दो डाकू, इसमें किशोर कुमार, अनूप कुमार, गंगा और नीना दास ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1968 में आई थी प्रोशन, इसमें किशोर कुमार, सारा बानो, महमूद, किशोर कुमार और ओम प्रकाश ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म 1968 में आई थी पायल की झंकार, इसमें किशोर कुमार, ज्योति लक्ष्मी, राजश्री और सुलोचना चटर्जी ने अभिनय किया था।
यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1968 में आई थी साधु और शैतान। इसमें ओम प्रकाश, प्राण, महमूद भारती और किशोर कुमार ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1968 में आई थी श्रीमान जी। इसमें आशा नाडकर्णी, किशोर कुमार और शाहिदा ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1968 में आई थी है मेरा दिल। इसमें किशोर कुमार, लक्ष्मी छाया, कुमकुम, प्रेम चोपड़ा और अयश जौहर ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म 1968 में आई थी दो दूनी चार। इसमें किशोर कुमार, आशीष सेन, सुधा रानी, तनुजा और रशीद खान ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1970 में आई थी आंसू और मुस्कान। इसमें किशोर कुमार, पद्मिनी, परीक्षित सहनी और हेमा मालिनी ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1971 में आई थी दूर काड़ा है। इसमें तनुजा, किशोर कुमार और अशोक कुमार ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म 1971 में आई थी हंगामा। इसमें किशोर कुमार, विनोद खन्ना और जिन्नत अमान ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 1972 में आई थी बॉम्बे टू गोवा। इसमें किशोर कुमार जी ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। अगली फिल्म 1972 में आई थी प्यार दीवाना। इसमें किशोर कुमार, मुमताज और पद्मा खन्ना ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1974 में आई थी बढ़ती का नाम दाढ़ी। इसमें अशोक कुमार, किशोर कुमार और आई एस जौहर ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1978 में आई थी एक बाप छह बेटे। इसमें किशोर कुमार जी ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। अगली फिल्म 1978 में आई थी चाबास डैडी। इसमें किशोर कुमार, योगता वाली और अमित कुमार ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1982 में आई थी चलती का नाम जिंदगी। इसमें रीता बादरी, अशोक कुमार, किशोर कुमार, प्रदीप कुमार और पुनीत पारा ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1982 में आई थी दूर वादियों में कहीं। इसमें किशोर कुमार, श्यामली, सोनम और सुमित्रा देवी ने अभिनय किया था। अगली फिल्म 1987 में आई थी कौन जीता कौन हारा। इसमें अमरीश पुरी, अरुण अरानी और किशोर कुमार ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म किशोर कुमार जी का जन्म 4 अगस्त 1929 को हुई थी और इसकी मृत्यु 13 अक्टूबर 1987 को हुई थी। मृत्यु के बाद उसके आने वाले फिल्मों के नाम 2013 में आई थी लव इन बॉम्बे। इसमें जॉय मुखर्जी, बहिजा रमन, अशोक कुमार, किशोर कुमार और रहमान ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। यह फिल्म 1971 में बनके तैयार थी और 2013 में रिलीज हुई थी। ये थी किशोर कुमार जी की कम्प्लीट फिल्मी सफर। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।